क्लास नंबर 18 है और चैप्टर नंबर 2 है। आज का टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? पहले आपसे सवाल है कि किसी जिस्म में एक्सीलरेशन होती है तो क्यों होती है? व्हाई डज बॉडी पोजेस एक्सीलरेशन? किसी जिस्म में एक्सीलरेशन क्यों होती है? इट मे केस इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज ड्यू टू अ चेंज आइदर इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्यों होती है? क्या इसकी वेलोसिटी में चेंज की वजह से होती है, या इसके मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से होती है, या इसकी स्पीड में डायरेक्शन में चेंज की वजह से होती है? द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कॉजेज द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होने की वजह क्या है? एक्सीलरेशन होने की वजह वेलोसिटी में चेंज है। तो डायरेक्शन के एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सीलरेशन की तरीफ ऐसे की जा सकती है, एज अ रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी समय वेलोसिटी के चेंज को एक्सीलरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होती है, एक्सीलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी को किस तरह जाहिर करते हैं? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टेकन टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, जब भी चेंज की बात आती है तो चेंज निकलता ही ऐसे है कि फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें तो फिर निकलेगा चेंज। जिस तरह अगर हम कहें कि वकास के पास पहले 1000 रुपये थे, अब 1200 रुपये हैं। अब कितने? 1200। यानी इनिशियल इब्तदा में, स्टार्ट में, इनिशियली इसके पास 1000 रुपये थे और फाइनल जब ये घर आया तो इसके पास 1200 थे। तो क्या कमा के लाया? तो हम कहेंगे कि फाइनल इसके पास 1200 थे, 1200 माइनस 1000, इसका मतलब ये जो चेंज आया इसकी जेब में वो कितना है? इसकी इनकम में चेंज आया 200 का। हमेशा इस तरह ही होता है, यानी कि पहले से मौजूद चीज़ जो है उसको माइनस कर देते हैं बाद में से, तो वो आ जाता है चेंज। जिस तरह एक पाइप की लेंथ थी, लंबाई थी 10 फुट, उसको गर्म करते गए करते गए वो 11 फुट का हो गया। तो अब क्या करेंगे? 11 माइनस 10 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। चेंज किसके बराबर होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। किसके बराबर होता है विकास? फाइनल माइनस इनिशियल। कान खोल के सुना करो, चेंज किसके बराबर होता है? आखिरी में से इब्तदाई को, पहली को माइनस करना, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, याद रखना आपने। तो उसके बाद हमारे पास अब है क्या फार्मूला होगा? ए इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। आपने याद किया ना बच्चों? इसमें हमारे पास वी एफ क्या है? फाइनल वेलोसिटी। वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टी इज इक्वल टाइम इज टेकन, जो टाइम इस्तेमाल हुआ है वो टी से शो कर रहे हैं, और ए फॉर एक्सेलरेशन है, और हमारे पास इसका यूनिट है। यूनिट इसका हमारे पास क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या है इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बोर्ड में ज़्यादा अहम ये है। इसकी डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा पूछी जाती है यूनिफॉर्म की। तो अब बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, हाउएवर इंटरवल्स मे बी। तो शॉर्ट इंटरवल जितने भी शॉर्ट हों तब भी हमारे पास जो चेंज आएगा वो यूनिफॉर्म होगा, तो एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म होगी। इस साइड पर हमारे पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। यूज़फुल इंफॉर्मेशन क्या है? कि जब तक जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसकी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। जब हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो तब उसकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, यानी सिमत सेम होगी वेलोसिटी के। और जब वेलोसिटी हो रही है कम तो एक्सीलरेशन की सिमत उससे अपोजिट होगी, मुखालिफ होगी। साइड पर डायग्राम पर गौर करें, अपनी लेफ्ट साइड पर देखें तो लिखा हुआ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। एरो ऊपर की तरफ है, यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है और उसकी सिमत कहाँ है? ऊपर की तरफ। लेकिन अगर एक्सीलरेशन पर गौर करें तो एक्सीलरेशन किस तरफ है? एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने राइट हैंड पर गौर करें कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो आप क्या गौर कर रहे हैं कि नीचे की तरफ है और हमारी एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ है। यानी जब तक वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो एक्सीलरेशन और उसकी डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन जब वो क्या करेगी? डिक्रीज़,
तब उसकी एक्सलेशन की डायरेक्शन चेंज होगी। बाकी इसमें कल एक्सलेशन की दो टाइप्स हैं, उनकी डेफिनेशन करेंगे कल। आज तक आपका काम कहाँ तक है, पेज नंबर 38 तक, एक्सलेशन के टॉपिक से लेकर यूनिफॉर्म एक्सलेशन की डेफिनेशन तक। साइड पर ये जो एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए कि हमने इसमें क्या बात की थी, क्या सीखा था। ठीक है।